20 लाख की फिरौती के लिए अपहरण बालक को सकुशल बरामद कर लिया गया है। तीन अपराधी भी गिरफ्तार हुए, जबकि अपहरण कांड में शामिल दो अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। प्रयास कर दो दिन के अंदर में 48 घंटा के अंदर में बच्चा को सकुशल बरामद कर लिया और उसका गिरफ्तार कर लिया। बीते 26 जनवरी की देर शाम नरहिया उप क्षेत्र के छजना गांव से रोहित कुमार के 5 वर्षीय पोता आयुष कुमार का गांव के ही 5 अपराधियों ने 30 लाख की फिरौती के लिए सुनियोजित तरीके से अपहरण कर लिया था। अपराधियों ने अगवा बालक के दादा को एक नेपाली मोबाइल नंबर से बार बार 30 लाख रुपए फिरौती की मांग की अलग की सकुशल वापसी के लिए किया। परिजनों द्वारा पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। परिजनों द्वारा दिए गए आवेदन पर कांड संख्या 25/21 दर्ज कर पुलिस कप्तान के निर्देश पर फुलपरास डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। परिजनों द्वारा पुलिस को दिए गए शिकायती आवेदन में गांव के ही 5 अपराधकर्मी नंदकिशोर मुखिया के पुत्र ललन कुमार मुखिया, रामसुंदर चौपाल के पुत्र अमित कुमार चौपाल, अर्जुन मंडल के पुत्र रोशन कुमार मंडल, रामचंद्र शाह के पुत्र दिनेश कुमार शाह और राजवंशी मंडल के पुत्र किशोर मंडल को नामजद किया गया था। पुलिस ने विशेष छापेमारी और तकनीकी अनुसंधान के जरिए दो अपराधकर्मी ललन कुमार मुखिया और अमित कुमार चौपाल को गिरफ्तार किया। धराए दोनों अपराधियों के निशानदेह पर पुलिस ने छापेमारी कर सुपौल जिला के कटैया थाना क्षेत्र के भीमनगर से तीसरे अपराधी दिनेश कुमार शाह के पास से अपहृत बालक को बरामद करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। धराए अपराधी दिनेश के पास से नेपाली नंबर का सिम जिससे फिरौती के लिए फोन किया गया था बरामद कर लिया गया। अपहरण कांड को अंजाम देने के लिए प्रयुक्त बोलेरो वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। वहीं घटना में शामिल अन्य दो अपराधकर्मी रोशन कुमार मंडल और किशोर मंडल अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। केवल 48 घंटे के भीतर सनसनी अपहरण कांड का उद्भेदन करने वाले पुलिस टीम में फुलपरास के डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा, लौकी थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल नरहिया, ओपी प्रभारी सुनील कुमार, अंधरामठ थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल, लौखा थानाध्यक्ष धर्मेंद्र मंडल और तकनीकी कोषांग के पुलिसकर्मी शामिल थे, जिसका नेतृत्व फुलपरास के एसडीपीओ प्रभात कुमार शर्मा कर रहे थे। फुलपरास थाना क्षेत्र के अमोजा गांव में बीती रात जमीनी विवाद को लेकर गोलीबारी और मारपीट की घटना में एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 2 घायलों की हालत गंभीर रहने के कारण मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा ने बताया कि जमीनी विवाद के कारण अमोजा गाँव में घटना घटी है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है। रात करीब 8:30 बजे सुखदेव पासवान ने बंदूकधारियों के साथ में आया। उसके पास 4 गाड़ी था और 7 बुलेट था। आते ही उसने अंधाधुंध गोली फायरिंग करना चालू कर दिया और पूरे गांव के लोग डर के मारे भाग गए। हम लोग फंस गए, हमारे घर को चारों तरफ से घेर लिया और उसमें धनराज पासवान को और अशोक पासवान को अचानक आके उठा लिया और ले गया दरवाजे पे। इसको सरिया और हथौड़ा से मार मार के इसका हाल कर दिया है। कैसा देख सकते हैं आप, इसका हालत बुरा है। 3 रोज से पानी चल रहा है, हमारे पास पैसे का भी दिक्कत पड़ रहा है और हम भाग 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 के किसी तरह से अपना जान बचा के, अपने बीवी बच्चे को जान बचा के यहाँ तक पहुँचे हैं। पुलिस गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की कवायद में लगी है। जानकारी के मुताबिक गांव में बलेल पासवान और सुखदेव पासवान दोनों के बीच जमीनी विवाद को लेकर पूर्व से ही विवाद होते आ रहा है। सोमवार की रात में सुखदेव पासवान शिक्षक द्वारा 25 से 30 बाहरी अपराधियों के साथ 4 चक्का गाड़ी से 10 बजे रात में बलेल पासवान के घर पहुंचकर घर को चारों ओर से घेरकर अपराधियों ने गोली चलाना शुरू किया और घर में घुसकर मारपीट भी करने लगे। 50 से 60 राउंड गोली चली। घायल श्याम पासवान ने घटना की जानकारी थाना अध्यक्ष को दिया, लेकिन थाना अध्यक्ष घटना पर नहीं पहुंचे। उसके बाद अपराधियों ने उसके घर को तोड़ दिया और श्याम पासवान को अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर चले गए। घटना के बाद बलेल पासवान, अशोक पासवान, श्याम पासवान, विनोद पासवान, हेमा देवी, धनराज पासवान सभी घायलों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल फुलपरास लाया गया, जिसमें 2 की हालत गंभीर रहने के कारण मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि 10 बजे रात में गोलियों की आवाज से पूरे गाँव में सन्नाटा पसर गया। पुलिस को कई बार कई लोगों के द्वारा खबर दूरभाष पर किया गया, पुलिस नहीं पहुंची, जिसके बाद सुबह में गांव में काफी तनाव रहने के कारण थाना अध्यक्ष ने पुलिस बल भेज दिया। इस घटना को लेकर अभी भी गांव में काफी तनाव है। बुधवार को लौखा के विधायक भारत भूषण मंडल ने गांव पहुंचकर घटना का जायजा लिया और घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक को दूरभाष से जानकारी देते हुए घटना में शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। डीएसपी ने बताया कि थाना में मामला दर्ज कर लिया।
किया गया है, जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जख्मी हेमा कुमारी के द्वारा आवेदन पर मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इससे पूर्व में भी सुखदेव पासवान के भाई और परिवारों के साथ बलेल पासवान के द्वारा मारपीट किया गया था, उसी के बाद इस तरह की गोलीबारी और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। बाबूबरही के पिपरा घाट स्थित महाविद्यालय के प्रांगण में नवनिर्मित भवन का आज बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा ने उद्घाटन किया। पिपरा घाट स्थित ब्रजमोहन नथनी सत्यनारायण जनता महाविद्यालय के प्रांगण में गुरुवार को आयोजित समारोह में विद्यालय भवन का उद्घाटन करते विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि यह कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र में है, विकास के लिए हर संभव सहयोग रहेगा। कॉलेज को डिग्री कॉलेज में अपग्रेड करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के द्वारा दिल्ली के लाल किला में उत्पात मचाने की घटना को निंदनीय बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भूदाता नारायण मिश्र व संचालन विद्यालय के प्रोफेसर प्रीतम निषाद के द्वारा किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाबूबरही में गुरुवार को ICDS DPO रश्मि वर्मा ने कोविड टीकाकरण का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के सहभागिता से टीकाकरण गति ले रही है, इसे और गति देने की जरूरत है। साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य व परियोजना अधिकारियों व कर्मियों के साथ टीकाकरण केंद्र और वार्डों का जायजा लिया, टीकाकरण की व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। इस मौके पर किस तरह जांच की गतिविधियां अपनाई जानी है और फॉर्म भरने के बाद ही टीका लगाया जाना है सहित आवश्यक सुझाव भी दिया। पहले टीका स्वास्थ्य कर्मियों ने लिया, समय से मैसेज नहीं मिलने के कारण कम टीकाकरण के लिए असंतोष जताया। अपनी मांगों के समर्थन में MHU के दीपक मिश्रा, विकास मैथिल और सत्यम झा गुरुवार को अखंड ठाणी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। पंचायतों में कार्यान्वित नल जल योजना की जांच और दोषियों को सजा, सभी पंचायतों में स्थायी RTPS काउंटर की व्यवस्था, कदर में घाट में तत्काल सड़क सेठ शौचालय और रोशनी की व्यवस्था करते हुए इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना, पंचायतों में बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्रों को सभी दवाइयों के साथ नियमित रूप से संचालन, प्रखंड मुख्यालय में धरना स्थल का निर्माण सभी चौक चौराहों पर और प्रखंड मुख्यालय में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण, बहरेल गंगराय भाया चंदेश्वर स्थान सड़क का जल्द निर्माण, रेफरल अस्पताल में सभी आधुनिक उपकरणों दवाइयों के साथ 24 घंटे चिकित्सकों की उपलब्धता, बहरेल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण, अधूरा में लाइब्रेरी और उसमें पुस्तकों की उपलब्धता और किसानों के खेतों के पटवन के लिए कमला नदी के पश्चिमी भाग में नलकूप की व्यवस्था सहित 11 मांगे शामिल है।